एनसीईआरटी एंड एडवाइजर 2.3 क्वेश्चन नंबर बोला है फर्स्ट फाइंड यानी 1/4 ऑफ ए में हमें मल्टीप्लाई करना है 1/4 से, बी में करना है 3/5 से और सी में करना है 4/3 से। तो पहला हम क्वेश्चन को ही देख लेते हैं 1/4 ऑफ मल्टीप्लाई 1/4 इज इक्वल टू 1/16। बी ये तो हमारे पास फर्स्ट का हो गया, यहाँ पे हम देखते हैं बी का 1/4 मल्टीप्लाई 3/5 इज इक्वल टू 3/15 ऊपर। और वैसे ही अब हम सी का करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई 4/3, ये 4 से ये 4 कैंसिल और ये हमारे पास आंसर आएगा 1/3, ये आंसर आ गया आपका। कि मल्टीप्लाई एंड द रिड्यूस टू द लोएस्ट फॉर्म, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। हाँ ये थोड़ा सा गलत हो गया है, 3 बन जा तो 3 हो जाएगा, 4/5 जाइए 15 नहीं, ये हो जाएगा 20, इसको सुधार लीजिए और ये हमारे पास ये सही है। अब इसको देखिए मल्टीप्लाई एंड लोएस्ट फॉर्म, तो ये हमारे पास है 2/3 मल्टीप्लाई 3 × 2 = 6 और 2 8/3, इसको हम जैसे ही करेंगे 8 × 2 = 16/9। बी को हम जैसे ही इसका चेंज करेंगे तो 7 से 7 कैंसिल 2/9, ये हमारा सेकंड का आंसर हो गया। ये हमारा थर्ड का देखते हैं, जैसे ही हमारे पास है थर्ड का, ये ऊपर से कैंसिल नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी हमें ये देखिए जैसे ही हम इसको 2 times करेंगे ये हो जाएगा 3, 4 × 2 = 3 × 2 = 3 तो 3 × 3 = 9/4 × 4 = 16 और ये हमारे पास हो जाएगा 4, ये देखिए 9 × 3 = 27/25, ये हो गया, ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जैसे ही चलते हैं तो ये देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है और बोला है मल्टीप्लाई करने के लिए, तो मल्टीप्लाई एंड तो हमारे पास ये आंसर आ गया 16/9 और ये हमारे पास आया 9/16 और सेकंड का ये आया। अगर इस नंबर को मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा हो आंसर को तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिएगा, ये हो जाएगा 9 × 9/7 इसी को हम 16/9 को लिखेंगे। और अगर इसका आंसर तो यही रह जाएगा, इसका भी यही, इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में जैसे ही चेंज करते हैं तो ये आंसर आ जाएगा 1/2/25, ये इसका मिक्स फ्रैक्शन में अगर चेंज करते हैं तो ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। इस क्वेश्चन में चलते हैं तो ये देखिए इसको जैसे ही हम मल्टीप्लाई एंड द फॉलोइंग फैक्टराइजेशंस करेंगे तो ये हो जाएगा 2/5 मल्टीप्लाई 5 × 4 = 20 यानी ये 20/4, जैसे ही हम इसको काटेंगे 2 × 2 = 4, ये हमारे पास हो गया 5 × 4 = 20 ये, तो जैसे ही हम ऊपर से देखिए ये आ जाएगा 21/5 × 2 = 10, इसको भी अगर मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है तो आप कर सकते हैं 2 ⅓, आप डिवाइड करके इसको देख लीजिएगा, ये मिक्स फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड है हमारे पास 6/5 = 30 यानी 32/5 मल्टीप्लाई 7/9, ये देखिए ये इससे मल्टीप्लाई करके तो ये 30 और प्लस में 2 32/5, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे ही मल्टीप्लाई कीजिएगा ये हो जाएगा 7 × 2 = 14 कैरी 1 और 21 और ये 22/, यहाँ पे जैसे ही करेंगे 9 × 5 = 45, इसको भी अगर मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास 3/2 × 5 × 3 = 15 और 1 16/3, ये 3 से ये 3 कैंसिल, ये 2 से ये 8 में, यानी इसका आंसर हो गया 8। नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे ही देखते हैं 5/6 × 7 × 14 और प्लस में 3 यानी 17/, हमारे पास नीचे में 7 है तो हम 7 रखेंगे, इसको जैसे ही आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 85/42 हो जाएगा, इसको भी अगर मिक्स फ्रैक्शन में आप चेंज करना चाहते हैं तो कर लीजिए 42 × 2 = 84 2 ⅓ = 42 आंसर ये।
अब हमारे पास ये बताना है क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच इज ग्रेटर, इनमें से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो देखिए हमारे पास ये है 2/7 ऑफ 3/4, तो इन दोनों को पहले और इन दोनों को अलग अलग सोल्व कीजिए। 2/7 मल्टीप्लाई 3/4, इसको जैसे ही हम सोल्व करेंगे ये हो जाएगा 2 × 2 = 4, यानी ये हमारे पास हो जाएगा 3/14। इसको सोल्व करके देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 से 5 कैंसिल, 3/8, तो यहाँ पे हम इसके सामने लिख देंगे 3/8। अब यहाँ पे ये डब्बा बना लीजिए, अब देखिए इसको यहां से मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए, इसको इससे, तो 8 × 3 = 24 और 14 × 3 = 42। तो देखिए ये 24 और ये 42 कौन बड़ा, तो ये 42 बड़ा है, तो ऐसे निशान लगा दीजिए। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, जैसे ही हम करेंगे तो इसको काट दीजिए 1/2 मल्टीप्लाई 6/7, इसको काटेंगे तो ये 3, यानी ये हो गया 3/7, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये डायरेक्ट यहां से यहां काट दीजिए, ये हो जाएगा 3 से 3 2/7। अब देखिए दोनों को बराबर में लिख लीजिए, यहाँ पे लिखेंगे 2/7, यहाँ पे डब्बा बना लीजिए, ये 7 × 3 = 21 और ये हो जाएगा 14। अब इसको देख लीजिए ये क्या हो जाएगा, इधर से ये ग्रेटर, यानी ये नंबर ग्रेटर है इससे। यही है आगे नेक्स्ट करना, देख लीजिए जो भी प्रॉब्लम हो फिर से बता दीजिए।